गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड लेसन 10, टारोज रिवॉर्ड। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। ए यंग वुड कटर नेम्ड टारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर ऑन ए लोनली हिल साइड। एक जवान लकड़ी काटने वाला लड़का था जिसका नाम तारो था। वह अपने माता पिता के साथ एक हिल साइड पर रहता था, यानी कि पहाड़ के साइड पर रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। वह पूरे दिन जंगल में लकड़ियाँ काटता था। चॉप्ड का मतलब है काटना, छोटे छोटे पीसेस में काटना। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। दिस मेड हिम सैड for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed। जबकि वो मेहनत तो बहुत ज़्यादा करता था पर वो बहुत ही कम कमा पाता था, और इस बात से वह थोड़ा दुखी हो जाता था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसे कमा पाता है। वह अपने माता पिता का बहुत ही ध्यान रखने वाला बेटा था, मगर वो अपने माता पिता की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता था। ये बात उसे बहुत दुखी कर देती थी। वन इवनिंग टारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो। एक शाम जब टारो और उसके माता पिता थे, वो अपनी कुटिया यानी हट के किनारे पर बैठे हुए थे, तभी तेज़ी से हवा बहुत तेज़ी से चलने लगी। ऐसे चलने लगी जैसे कि उनके हट के अंदर आ गई हो। इट विश्ड थ्रो द क्रैक ऑफ हर्ट एंड एवरी वन फील्ट वेरी कोल्ड। सडनली टारोज फादर मर्मर्ड्स, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। और सभी को ठंड लगने लगी। तभी टारो के पिता ने कहा, काश मेरे पास एक कप ऑफ शेक होता। ये कप ऑफ शेक मेरे बूढ़े मन को शांति देता। जो शेक था वो एक जापान की फेमस ड्रिंक थी। वो इस तरह की ड्रिंक थी कि जिसको पीकर गर्मी मिलती। दिस मेड टारो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ये सुनकर कि उसके पिता को ड्रिंक पीना है, उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो उन्हें यह खरीद कर नहीं दे सकता था, क्योंकि जो शेक था वो बहुत महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। उसने अपने आप से पूछा कि मैं कैसे ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। और मैं अपने बूढ़े पिता को ये शेक लाकर दे सकता हूँ। फिर उसने सोचा कि मैं और भी ज़्यादा मतलब मेहनत से काम करूँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टारो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअली एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली ही सुबह तारो अपने बेड से उठ गया जल्दी, और मतलब और दिनों के मुकाबले वह जंगल की ओर निकल गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट। फिर जैसे ही वह जंगल पहुंचा, उसने पेड़ों को काटना और लकड़ी कटना करना शुरू कर दिया। वो इतनी मेहनत कर रहा था कि उसे गर्मी लगने लग गई और उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट। उसका गला सूख गया था और जो फेस था, फेस पर पूरा पसीना यानी स्वेट का मतलब पसीना आ गया था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। वह सोचता है कि काश मेरे बूढ़े पिता मेरे बूढ़े पिताजी को इतने गर्म हो पाते जितनी गर्मी मुझे अभी लग रही है। एंड विद दैट ही बिगिन टू चॉप एवर फास्टर थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय
द शेक टू वार्म द ओल्ड मैंस बोन। और यह सोचकर और भी ज़्यादा मेहनत करने लग गया, मतलब लकड़ियाँ काटने लग गया और पूरी मेहनत से, ताकि वह ज़्यादा पैसा कमा सके और अपने पिताजी को शेक वो ला के दे सके, ताकि उनकी हड्डियों को और दिल को आराम पहुँच सके। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।